श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच होए बजट इजलास दौरान साल 2021-22 लई 9,12,59,26,000 रुपए का बजट पास किया गया। बजट श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने पेश किया, जिसनों हाजिर मैंबर ने जयकारियां की गूंज विच प्रवानगी दिती। पास किए बजट मुताबक अनुमानित खर्चों के मुकाबलतन साल 2021-22 की कुल आमदन 8,71,93,24,000 रुपए के करीब होगी। इस तरह पास किए गए बजट अनुसार आमदन नालों 40,66,00,000 रुपए के करीब वध खर्चा होने का अंदाजा है। बजट संबंधी वेरवे जारी करदिया श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि इस बार के श्रोमणी कमेटी के बजट में कई तरह के भुलेखे दूर करने के यतन किए गए हैं। उन्होंने दसिया कि गुरद्वारा साहबान विखे संगत वालों चढ़ावे के रूप में आँदी राशि 30% के करीब वक् वक् विभागों श्रोमणी कमेटी को फंड प्राप्त होंगे ने, पर बीते समय दौरान यह राशि मुड़ आमदन का हिस्सा बना देने नाल बजट में वड्डा अंतर पैदा हो गया, क्योंकि गुरद्वारों के बजट के नाल जदों श्रोमणी कमेटी और धर्म प्रचार कमेटी का बजट पेश किया सी तां वह मुड़ आमदन में शामिल होंदा सी। इस बार इस नूं दुरुस्त करदिया बजट पेश किया गया है। बीबी जगीर कौर ने कहा कि आमदन नालों खर्चे वधेरे ने, जिन्हां दी पूर्ति लई श्रोमणी कमेटी संगत नूं प्रेरणा करन दे नाल नाल अपनियां बचतां विचों खर्च करेगी। इस गल दी वी सारिआं नूं तसल्ली होणी चाहीदी है कि साडी जिहड़ी आमदन है वह केवल संगतां ते निर्भर करदी है। संगत आ के मत्था टेकदी है, संगत आ के चढ़ावा चढ़ाउंदी है, जिहड़ी चढ़ी चढ़त अते जिहड़ा टेकिया मत्था हुंदा है असीं उस दा लेखा जोखा करदे हां। इस साल सानूं इन्ने पैसे गुरद्वारियां विच आउण दी आस है। 2020 दे विच असीं खर्च रख्या सी, प्रवानित बजट रख्या सी खर्चे दा 359 करोड़, हो गया 399 करोड़। खर्च वधिया क्यों? क्योंकि COVID-19 करके सारे थावां उत्ते समाज च जिथे लोड़ पई है गुरद्वारियां ने वध तों वध सेवा कीती है, कितें लंगरां दी सेवा कीती है, कितें किसी किस्म की सेवा जिहड़ी है वह विच इनकलूड हो गई। सो जिहदे नाल सानूं 29 करोड़ का इत्थे वक्फा आ गया, घाटा रह गया, खर्च वध गया, रख्या सी घट सी, इत्थे भी आ के साडा 29 करोड़ का फर्क पिया। साल 2021-22 लई पेश कीते बजट विच की इतिहासिक गुरद्वारा साहिबान जिन्हां दी सेवा संभाल सैक्शन 85 तहत की जाती है, उस तो साल 2021-22 दौरान 6,47,25,00,000 रुपए तो आमदन की संभावना है, जबकि 6,52,37,00,000 रुपए खर्चों का अंदाजा है। विद्यक अदारों तो इस साल 1,99,17,00,000 रुपए के करीब आमदन और 2,23,18,00,000 रुपए के लगभग खर्चे होंगे। विद्यक अदारों के बजट में घाटे की पूर्ति लई श्रोमणी कमेटी वालों फिलहाल 16,55,00,000 रुपए के करीब रखे गए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब के 400 साल प्रकाश पुरब न जाहो जलाल नाल मनाने लई 14 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कुदरती आफतों लई 86,00,000 रुपए रखे गए हैं। भेटा रहित गुरमत साहित छपवाण समेत धार्मिक परचियां अते धार्मिक प्रीख्या पत्र विहार कोर्स गुरमत विद्यालयां लई 27,31,00,000 रुपए खर्चे जाएंगे। हाल ही विच स्थापित की गई लड़कियों की खेड अकैडमी लई 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने की राशि रखी गई है। सिकलीकर ते वणजारे सिखां दे नाल नाल पंजाब अते पंजाब तो बाहरले गुरद्वारा साहबान धार्मिक पंथक ते समाज सेवी संस्थावां आदि लई 9,50,00,000 रुपए, अमृतधारी विद्यार्थियों वजीफिया लई 2 करोड़, बच्चों प्रतियोगी मुकाबलों राही गुरमत नाल जोड़न लई 3 करोड़ रुपए राखवें किए ने। विद्यक दे प्रचार प्रसार लई भी बजट विच खास हिस्सा रख्या गया। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अते नवीं पुस्तकां छपाउण लई भी राशि राखवीं रखी गई है। धर्मी फौजियों लई 1 करोड़ रुपए, धर्म अर्थ फंड लई 1,80,00,000 रुपए होणगे। संगत दा योगदान। सालाना बजट पेश करदिया बीबी जागीर कौर ने कहा कि दिल्ली के एक श्रद्धालु वालों 9 करोड़ तो वध भेटा श्री दरबार साहब की गोलक विच पाई गई। इस तरह सोलर प्लांट अते भाफ विधि द्वारा लंगर तैयार करने लई भी संगतां सेवा करवा रही ने। सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे माया भेटा करने वाली संगतां नूं टैक्स तो छोट मिलेगी। बीबी जागीर कौर ने कहा कि RTI तहत जानकारी प्राप्त हुई है कि पहलां तो ही 1965 विच श्री दरबार साहब लई ATG मिल चुकी है। इसे तहत हुण संगतां टैक्स तो छोट प्राप्त कर सकदियां ने।
असी चार महीने दे विच जे बजट सोध कीती है ते असी खर्चे भी घटाए, खर्चे घटाए है ते असी कोशिश कीती है संगत नूं मोबिलाइज करके, संगत नूं प्रेरणा दे के ते असी सारे रल के किसी ढंग दे नाल सेवावां सिद्धियां संगत को कराई। ए टी जी जिहड़ी है वह साडी बड़ी सिरदर्दी सी कि लोग जो सानूं पैसे जमा कराते सी उन्हां दा फिर टैक्स कट्टिया जांदा सी, वो बड़े परेशान होंदे सी। संगत पाल साहब एफ सी आर मिल गई सी, जिहड़े बाहरले देशों से पैसे भेजते सीगे, जिहड़ा एफ सी आर मिल गई सी भी जिहड़े बाहरों पैसे आउंदे सीगे वो ते छोट हो गई, लेकिन जिहड़े लोग इत्थों पैसे दिंदे सी उन्हां दे उत्ते टैक्स लगदा सी। असी फिर लभिया भी दो बारी इन्होंने अपलाई कितने कर दी, वो कितने गलत सैक्शन अपलाई हो गई, पर जो असी लभिया हैरान हो गए तुसीं आर टी आई राही और लभ के मेहनत करवाई, सारे ने कहा कुछ कोई ना कोई होएगी जरूर, इन्ना तो हो नहीं सकता भी कोई साढ़े को होवे ना। असी लभ्या तो 19/6/1965 के राही सानू जी श्री हरिमंदर साहब न ATG 2B मिली हुई, धारा 2B सैक्शन 2B जी मिली है, कंसैशन मिली है क्या दी, जेड़ा कोई तुहानू रेनोवेशन वास्ते, जेड़ा कोई सानू ओदी रिपेयर वास्ते कोई पैसा दिंदा तो वह तुहानू रिबेट मिलती है, वह टैक्स का माफ होएगा। अमृतसर तो कुलविंदर सिंह की रिपोर्ट, बाबूशाही टाइम्स। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए साडे चैनल नू सबसक्राइब करो ते साडी लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन दे लिए बैल आइकन दबाना ना भूलियो।